बहुत-बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, चल आज का हमारा सेशन है, मतलब हमारी सेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसमें हमारी कुछ चर्चा जिस बहुत है कुछ चर्चा जिस बात ने लास्ट क्लास में शुरू किया था, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल की, वो तो हमने डिस्कशन शुरू किया था लास्ट क्लास में, आज कोशिश करेंगे कि उस सेशन को कंटिन्यू करें। आर्टिकल वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर 4 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, उसमें वी स्टार्टेड विद आर्टिकल 131 जहां पे 131 के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का, फिर 132 के अंदर एप्लीकेशन पढ़ा था, फिर 133 के अंदर स्पेसिफिकली आदो एप्लीकेशन, पर वो सिविल मैटर्स के बारे में था, तो ये स्पेसिफिक एंट्री पड़ी थी, पर ये सारी चर्चा आपने अपने पिछले क्लास में जितनी करवाई थी उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको बताई थी कि आपको ये समझना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय है, जुडिशियल जोग्राफी है, हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, पर बच्चे सभी चीजों के साथ हमें ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और जिम्मेदारियों से मामले की सुप्रीम है तो वो ना इंडिया है, वो न्यायालय और कोई भी न्यायालय वो सेपरेशन होता है, उसी के बेसिस पे वो फंक्शन करता है, तो यही जुडिशियल की पॉइंट को हमें समझना है बच्चे, वैसे ही बात आपको बता रहा हूं लास्ट क्लास के अंदर, बट थोड़ा सा उसको देख लेते हैं जिसे आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। देखो अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर जुडिशियल की बात कर रहा हूं, तो ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, किसी से शुरू करते हैं, आप सभी याद है कि आर्टिकल 32 पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स वाला, याद है पार्ट 3 के अंदर वो किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 32 रिट के बारे में, तो सबसे पहली बात जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट कौन सी है, रिट पिटीशन, और इसके अंदर क्या है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स में फोर्स करने के लिए अलग अलग तरीके से चाहिए फंडामेंटल राइट्स यू ओवर टू एसेट्रा एसेट्रा, दूसरे प्रकार की जुडिशियल कौन सी होती है, दूसरे प्रकार की जुडिशियल होती है इसकी हमारी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव, और इसका मतलब क्या है कि वो स्थितियां जहां पे सुप्रीम कोर्ट वोट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है, ये बात याद है लास्ट क्लास में पढ़ी थी, याद है कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पे कोई भी केस आई पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, उस अपराध से बरी कर दिया, अब किसी को अपराध से बरी कर दिया, अब किसी को अपराध से बरी कर दिया, अब किसी को अपराध से बरी कर दिया, स्टेट
के बारे में जो हमें समझ नहीं है। सबसे पहले हमें समझना है कि इक्विटल का मतलब क्या है। अब जब मैं आपको कहानी सुना रहा था और मैं बोल रहा था कि किसी पिछले कोटे व्यक्ति को बड़ी कर दिया है, इक्विटल के बारे में आपका क्या होगा, ऐसी परिस्थिति जहां पर लोअर कोटे से व्यक्ति को छोड़ दिया, मतलब कोई तरीके से छोटे वाला बच्चा निकल रहा है और हाई कोटे से निकल रहा, ऐसा भी हो सकता है पर ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत ध्यान से समझ छोटी बातें हैं, बस समझ जाने चाहिए। मान लीजिए व्यक्ति है, इसमें कार्रवाई चली, कारण लगा किसी मर्डर किया, ठीक है, मान लो सेक्शन 300 आईपीसी के अंदर कार्रवाई चली, किसी किसी पे किसी का मर्डर किया और जो कोर्ट ऑफ सेशन ने कार्रवाई चलाई उसने ये पाया कि इस व्यक्ति ने मर्डर नहीं किया, तो इसको क्या कर दिया, एक्विटल। अब इसका मतलब क्या होगा, अब व्यक्ति को आजाद होगा, जेल में नहीं होगा, पूरा होगा कि मस्ती कर रहा होगा और ये अब क्या हुआ, इसके कभी हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने सेक्शन किसी को बदल दिया या पेनल्टी बदल दिया, तो ये हमारा एक्विटल है, इसको किया गया था उसने हाई कोर्ट ने उसको पेनल्टी दे दी, पेनल्टी का मतलब ये भी जरूरी है, बात करनी है पर यहां पे अगले पिछले सेशन के लिए भी आप आजाद हो सकते हैं, पेनल्टी दी जा सकते हैं, अगर पेनल्टी दी नहीं जा सकती तो फिर हाई कोर्ट देगा, दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है, तो मतलब है तो वैसे पेनल्टी हाई कोर्ट ने पेनल्टी तो जा सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट भी फाइन करेगा। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति है, इसमें एक आरोप लगाओ, मान उस आरोप लगा कि सही व्यक्ति मर गया है, एक महिला का इसने रेप किया है और किसी व्यक्ति को छोटी मोटी चोट पहुंचा दिया, आर्टरी में सट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो एक्विटल वाली बात है ना, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि इस व्यक्ति को उसने जिले कोर्ट ने सारे अपराधों में छोड़ दिया गया हो। मान लीजिए व्यक्ति जिसमें तीन आरोप लगे थे, इनमें से मानो मर्डर के आरोप में उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया, 375 और बाकी 325 के अंदर उसे सजा दी गई, तो व्यक्ति आधा तक सीधा रोड पर मिला होगा या नहीं, और सकता है 375 सीधे सही आदमी का मतलब मतलब 20 साल के लिए रहा हूं और उसे 300 के लिए छोड़ दिया, तो ये भी सफिशिएंट है, ये भी एक्विटल की डेफिनेशन में आता है। और अगर 300 के अंदर उस व्यक्ति को छोड़ा गया है और हाई कोर्ट में अभी फाइट कर दिया स्टेट और हाई कोर्ट 300 के अंदर उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे दिया, भले वो पहले से जेल में हो, उसे 300 के अंदर डेथ पेनल्टी दे दिया, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल की जा सकेगी। कहने का मतलब यह है यहां पे एक्विटल मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को छोड़ दिया गया, एक्विटल किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के बारे में हो सकता है, और अगर वो एक पर्टिकुलर चार्ज भी सेक्शन 3 के डिपार्टमेंट को लगा दे, जैसे लोअर कोर्ट द्वारा किया जा रहा 300 के अंदर और हाई कोर्ट द्वारा डेथ पेनल्टी दिया जा रहा 300 के अंदर, तो ये एक सफिशिएंट कॉज है टू फाइल अपील फॉर दिस सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक्विटल को आपको सही मायने में समझना है, ठीक है, तो सबसे पहला था क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करने का, कि लोअर कोर्ट ने एक्विटल जैसे व्यक्ति को आरोप छोड़ा या किसी एक आरोप में और उसी आरोप के बारे में हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी, जो कहता है सुप्रीम कोर्ट फाइल अपील, सिंपल, वेरी सिंपल। कम टू द सेकंड सिचुएशन, दूसरी स्थिति है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट ने किसी भी केस पर ट्रायल किसी भी केस की कार्यवाही किसी निचले कोर्ट से लेकर खुद चलाई और जो कार्यवाही उसने निचले कोर्ट से लेकर खुद चलाई उसके अंदर उस आरोपी को डेथ पेनल्टी दी, डेथ पेनल्टी दी, तो कुछ फर्क नहीं है दोनों में, बस इतना फर्क है कि वहां पे लोअर कोर्ट के द्वारा कार्रवाई चलाई गई तो एक्विटल हुआ और अपील के अंदर हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी, यहां पे लोअर कोर्ट में कार्रवाई खत्म ही नहीं हुई, खत्म होने से पहले ही हाई कोर्ट ने उसको अपने पास बुला लिया, तो इसको समझो। देखो बच्चे, अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट होता है स्टेट के लेवल पे सब भी है, स्टेट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, पर किसी राज्य के अंदर हाई कोर्ट सब भी है और बिग सब भी है, इसके पास कुछ लेने की पावर नहीं है, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है कि हाई कोर्ट को कभी ऐसा लगे कि किसी भी केस के अंदर कार्रवाई सही से नहीं चल पा रही है, सही से नहीं चल पा रही है, तो हाई कोर्ट उस केस की कार्रवाई खुद करा सकता है, भले शेड्यूल के हिसाब से जो कोर्ट ऑफ ऑडिशन है कोर्ट सेशन होना चाहिए या मजिस्ट्रेट होना चाहिए, पर हाई कोर्ट के पास पावर है कि उसे लगता है कि वो कोर्ट सेशन करवाएंगे चलाएगा या फिर मजिस्ट्रेट करवाएंगे चलाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को काम करते भाई एंड सब से बात। तो अगर कभी किसी परिस्थिति में हाई कोर्ट ने ऐसा किया है कि किसी भी केस की कार्रवाई को निचले कोर्ट से छीनकर खुद चलाया है और उस कार्रवाई के अंदर उस एक्यूज को जो भी एक्यूज था उस केस के अंदर उसको डेथ पेनल्टी दे दी, तो पहले नंबर पर किसी भी केस का ट्रायल को विथड्रॉ करना लोअर कोर्ट से विथड्रॉल ऑफ ट्रायल और दूसरे नंबर पर एक्यूज को डेथ पेनल्टी देना, जब भी ये परिस्थिति बनेगी तो ये जो एक्यूज है पेनल्टी दी गई है उसके ट्रायल विथड्रॉ करके वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि डायरेक्टली काम करेगी सुप्रीम कोर्ट, आपको बस ये रिक्वायरमेंट दिखानी पड़ेगी कि भाई बार स्कूल हो गया इतना काफी है, तो बस जो पहला वाला आधार है उसके वाला आधार का मतलब है कि पहले वाला आधार में लोअर कोर्ट एक्विट कर रहा था और हाई कोर्ट ने पेनल्टी दिया अपील, यहां पे लोअर कोर्ट ने बोला कि स्कूल को विथड्रॉ किया गया है पर हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी, तो डेथ पेनल्टी वाली बात तो कॉमन है, पर पहले ने वो डेथ पेनल्टी अपील के अंदर दिया हाई कोर्ट ने और दूसरे में स्ट्राइक को विथड्रॉ कर दिया, तो दैट इज द डिफरेंस जो आपको समझना है, दूसरा आधार है जिसके अंदर अभी फाइल किया सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, और ये लास्ट ऑप्शन आप पढ़ चुके हो, कॉमन है आर्टिकल 136 पर थोड़ा सा फर्क है, बताओ क्या कोई भी केस है जिसमें ये दो रिक्वायरमेंट नहीं होगा, डेथ पेनल्टी वाली सिचुएशन नहीं होगा, अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट जारी कर दे और सर्टिफिकेट आपको याद में आना चाहिए कि सारे सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है चाहे वो 36 के अंदर हो 36 के अंदर हो 36 के अंदर ना हो, सारे सर्टिफिकेट आर्टिकल 144 के अंदर लिखे जाते हैं, बड़ा मजेदार आर्टिकल, और याद रखना कोई भी कोर्ट या कोई हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करता है बीटा कॉन्स्टिट्यूशन का सर्टिफिकेट और डिसिप्लिन मैटर वो आर्टिकल 144 के अंदर पाउंड एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे आर्टिकल 134 के अंदर कि ये एक ऐसा केस है जो फिट है कैंसर का एक्सप्लेनेशन जो फिट है सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल करने जाने के लिए, तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा आर्टिकल 134 में पड़ा था तभी सर्टिफिकेट इशू होगा, यहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन राइज हो रहा है सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो जनरल इंपॉर्टेंस का है जैसा आर्टिकल 134 में पड़ा था बिल्कुल जरूरी नहीं, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन कि हाई कोर्ट को किसी भी वजह से ऐसा लगना चाहिए कि ये ऐसा केस है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अभी सुननी चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट जारी करने का मतलब ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से जो डिस्क्रिप्शन है हमारे हाई कोर्ट के पास है, पर इस स्थिति में एक बात ध्यान रखना है बस वो ये बात है कि ये सर्टिफिकेट वाली बात है, यहां पे सर्टिफिकेट इशू करते वक्त हमारे हाई कोर्ट को हमारे आर्टिकल 145 है हमारा आर्टिकल 145 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका क्लॉज 1 है उसका ध्यान रखना है, तो आर्टिकल 145 का क्लॉज 1 है वो रिलेवेंट होता है क्रिमिनल केसेस के अंदर जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करता है, तो वैसे खुली पावर है पर वो खुली पावर रेगुलेट हो रही है केवल केवल आर्टिकल 145 से, अब जल्दी से अपना स्टेट निकालो और आर्टिकल 145 का क्लॉज 1 देखो, आ जाओ बच्चे किसी चीज को छोड़ना नहीं करके आज का आर्टिकल करो, देखो बच्चे आर्टिकल 145 को देखो, आर्टिकल 145 का जो एजेंडा है मतलब टाइटल है वो है रूल्स ऑफ कोर्ट एसेट्रा, और क्या कहता है क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट मे हैज द सुप्रीम कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, मतलब ये ऐसा सेक्शन है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया है कि वो रूल्स बना सकता है कि कार्यवाही कैसे चलाई जाए, और ये रूल्स बनाने से पहले वो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोलेगा और ये मुझसे किसी बारे में हो सकता है रूल्स एज टू प्रोसीजर्स प्रैक्टिस इन कोर्ट बाय 1 प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के सामने, दूसरा रूल एज टू प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील अपील सुनने के बारे में रूल्स, तीसरा रूल एज टू प्रोसीजर्स टू पार्टी के अंदर मतलब लिस्ट है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा तीसरा पॉइंट सर्टिफिकेट इशू करने वाला हमारे भारतीय संविधान ने इसको बहुत छूट दिया, अब हाई कोर्ट को किसी वजह से फिट लग सकता है और मानो हाई कोर्ट ज्यादा समझदारी ना दिखाए और इसका ओवर फायदा उठाने लगे सर्टिफिकेट इशू करने लगे हर केस के अंदर, तो भाई सुप्रीम कोर्ट परेशान हो जाएगा, किसी वजह से तो हाई कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि भाई क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है क्या सब्जेक्ट ऑफ लॉ है, यहां पे ऐसा कुछ करना नहीं है, तो हाई कोर्ट अपनी मर्जी से किसी को फिट मारेगा और क्या हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने अपील बाहर लेकर के अंदर, तो इसलिए सहारा लिया गया है आर्टिकल 145 का और सुप्रीम कोर्ट की पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज कर सकता है कि जब भी वो किसी क्रिमिनल केस के अंदर सर्टिफिकेट जारी करेगा अंडर लॉ से, वो ये बात का ध्यान रखें और वो रूल्स हमारे हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट करते वक्त माने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, तो वही बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओवर छूट गया है वो उस बात को सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, तो दैट इज द बेसिक फंडा, तो यहां पे सर्टिफिकेट वाली बात है और बात ये समझ आ गई आपको इंटरप्रेट करनी चाहिए, तो पहले के दो ऑप्शन है जो विदाउट सर्टिफिकेट वाली स्थिति है बहुत सिक्योरिटी है, बात देखो आजकल के जमाने में डेथ पेनल्टी कहां के सालों में कोई है और वो कितना भी बयान केस होता है डेथ पेनल्टी वाली, अगर मैं आपको बताऊं डेथ पेनल्टी बहुत ही ब्रूटल रेप ब्रूटल मर्डर या मर्डर प्लस रेप टेररिज्म केसेस तो ऐसे ही कुछ टीनेज रेप पॉइंट के केसेस तक सीमित रहा डेथ पेनल्टी, तो 5 साल 6 साल को ये डेथ पेनल्टी निकल जाती है, तो कितनी अपील आने के पहले के अंदर दूसरे के अंदर, तो मेन प्रोविजन जो यूटिलिटी का है किसी के लिए वो ये तीसरा नंबर का ही है, अगर हम प्रैक्टिकली
के अंदर आप जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कर सकते हो, देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के सामने आप अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 2। अब ये हमारी पार्लियामेंट है, वो लॉ बना के कानून बना के सुप्रीम कोर्ट पे फर्दर पावर्स वेस्ट कर सकती है जो अपील के बारे में होगी किसी भी कंपनी से, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हमने बात पढ़ी ना क्लॉज 1 के अंदर, अब वो तो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 50 है। ऐसा नहीं है कि केवल यही रहेगी सच्चाई तकरीबन, अगर कभी भी किसी भी समय पे ऐसा लगे कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी एप्लीकेशन को बढ़ाना चाहिए, अभी अगर ऐसा हो तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, पार्लियामेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल मैटर्स में एप्लीकेशन है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डेफिनेशन कवर्ड, पहले डेफिनेशन में कुछ स्पेसिफिक कवर्ड है, तो ऐसी परिस्थिति है जहां पे हाई कोर्ट डेफिनेशन दे रहा है और वो रिवर्स कर दे रहा है, और पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को डेफिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सकती है, भले वो कोर्ट डेफिनेशन दे और हाई कोर्ट सकता है क्या स्पेसिफिक, मानो ऐसा कानून बना सकती है पार्लियामेंट में, हो सकता है कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास होगा, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है, तो ऐसी पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पर पार्लियामेंट ऐसी कोशिश की है, उतना डिले हम नहीं करेंगे कि वो अपन या एक किसी को प्रोटेक्ट करने की, पर हां पार्लियामेंट को कभी जरूरत लगी परिस्थिति के अनुसार सेक्शन करता तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है, डिले एप्लीकेशन है, उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब जब तक सवाल क्या सभी लोगों को आर्टिकल 144 समझ आ गया, अभी ऑल जीपी नाम समझ आ गया है, सर्टिफिकेट वाले और सर्टिफिकेट वाला क्लियर है, चलो वेरी गुड, बहुत ठीक है, अभी और ये समझ में आ रही है बातें, ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रहे हैं।
देखिए हमारे भारतीय संविधान के आने से पहले संविधान का मतलब पढ़ लो कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारी पावर्स होंगी जो भारतीय संविधान आने से पहले फेडरल कोर्ट के पास होंगी और ये तो बात हमने अभी पढ़ी है वो लागू होगी किसी भी जजमेंट पर किसी भी डिटरमिनेशन पर किसी भी सेंटेंस पर किसी ऑर्डर पर जो किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल ने पास किया होगा इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्सेस इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्सेस तो अगर कोई जजमेंट सेंटेंस या ऑर्डर है तो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ है उनके बारे में पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा अब देखो क्या है समझ रहा हूं आपको थोड़ा सा घूमने लगे होंगे पर मैं आपको बताता हूं बहुत बहुत क्या सिचुएशन है देखो बच्चे चलो पहले इसमें एक बोल देते हैं ठीक है एप्लीकेशन ओके जुरिसडिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट जुरिसडिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट पर की बात करते हैं आर्टिकल 135 अब इस बात को समझाता हूं देखो देखो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 से और भारतीय संविधान के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स लिबर्टीज जो भी चीजें पढ़ते हैं वो सारी उसको मिली मतलब इन लीगल सेंस सुप्रीम कोर्ट जिस मॉडल फॉर्म में आज हम देखते हैं हां मुझे लगा बराबर हो गया ठीक है पर समझ लो बात को समझ कि जो भी बातें हम पढ़ते हैं ऐसी सिचुएशन के बारे में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जिस फॉर्म में आज देख रहे हैं वो उसी शुरुआत हुई हमारे भारतीय संविधान के लागू होने के बाद ये सारी बातें जो आर्टिकल 125 से पढ़ी हैं सभी ने कोशिश नहीं की हुई है ये सारे डिस्कशन हमने किया कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एलिमिनेशन होगी पॉलिसी सर्विस होगी सारी बातें कोशिश कर ली हैं और इन्हें कोशिश करवाया 150 में पर ऐसा तो नहीं है कि 150 से पहले कोई डिसीजन सब नहीं किया गया भारतीय संविधान होने से पहले जो जुडिशियल लेवल पर सुप्रीम अथॉरिटी मानी जा सकती है जो फेडरल कोर्ट के नाम से जानी जाती थी या जिसको आप प्रिवी काउंसिल के नाम से भी जान सकते हो वो फंक्शन करती थी और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 कौन सा इसलिए ले रहा हूं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो हमारा स्टैट्यूट है बड़ा मजेदार स्टैट्यूट था उसके अंदर और उसके पहले वाले कानून के भी अंदर हमारे फेडरल कोर्ट से उनको कुछ जुडिशियल और पावर्स दी गई थी ऑब्वियसली क्योंकि वो उस समय पर सब कुछ न्यायालय का काम कर रहे थे तो हमारा आर्टिकल 135 सीरियस बात है जो भी हमारे देश के अंदर फेडरल कोर्ट एग्जिस्ट करते थे हमारे भारतीय संविधान लागू होने से पहले तो उनकी जो जुडिशियल से पावर्स थी वो जुडिशियल पावर्स से बिलोंग टू द सुप्रीम कोर्ट दे नाउ बिलोंग टू द सुप्रीम कोर्ट तो मानो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जहां पर 132 काम नहीं आ रहा 133 काम नहीं आ रहा 134 काम नहीं आ रहा पर अगर वो परिस्थिति ऐसी है वो केस ऐसा है वो सिचुएशन ऐसी है जिसके बारे में जुडिशियल ऑफ पावर्स फेडरल कोर्ट के पास हुआ करती थी भारतीय संविधान लागू होने से पहले तो हम ये मान लेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो जुडिशियल और पावर है अंडर आर्टिकल 135 तो कहने का मतलब है जो हमारा आर्टिकल 135 है इट वर्क्स एज ए बैकअप ऑप्शन कि भाई पहले तो आपने सारी पावर सारी जुडिशियल लिख दी आर्टिकल 32 में 33 में 34 में मानो कोई भी ऐसी स्थिति आ गई कि सिचुएशन आपने कवर लिया ना देखे कवर लिया ना देखे कवर लिया पर वो ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में फेडरल कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकता था तो हम अपनी तरफ से भी बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की सक्सेसर है वो फेडरल कोर्ट का सक्सेसर है तो उसके पास भी ये पावर नहीं होगी तो बाय यूजिंग आर्टिकल 135 सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति को देख लिया अब ऐसी स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी उसका कोई परफॉर्मेंस मान नहीं कि मैंने वाला सिचुएशन काम जिसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से ताकत दी गई है भारतीय संविधान के अंदर पर वो ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारे फेडरल कोर्ट की बात करती तो भाई वो तो आर्टिकल 35 अभी मान लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के भी पास वो पावर रही होगी दैट इज द सिंपल एंड बेसिक पॉइंट जो आपको समझना है अंडर आर्टिकल 135 आगे की मेरा ये आर्टिकल 136 के साथ थोड़ा सा स्लाइड में लग रहा है इधर बड़ हो गई चलो कोई परेशानी बात नहीं आर्टिकल 136 फॉर्म में स्टेट से पढ़ ठीक है पहले मुझे बता दो आर्टिकल 135 के पास समझ में आ गई फेडरल कोर्ट क्या है क्या पता है अभी और ये अबाउट दिस ये साइड पर चेक कर लेना समझ आ गया चल वेरी गुड अब बच्चे मैं आपको लेके चल रहा हूं बहुत ज्यादा क्या हद से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है हमारा आर्टिकल 136 कौन सा आर्टिकल 136 बहुत सुना होगा आपने बहुत बड़ा भी होगा हो सकता है कई बार सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है पर सवाल ये है कि क्या आपने उसे समझा है ये जल्दी ये पता लगाएं जल्दी से अपना स्टेट बोलो पर आर्टिकल 136 बच्चे को पढ़ो जल्दी से दो मेरा है छोटे छोटे हैं बट बहुत कॉन्सिक्वेंशियल आर्टिकल है आराम से समझाओ देखो आर्टिकल 136 का टाइटल पढ़ो स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट क्या बोला जा रहा है क्लॉज 1 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट मे सुप्रीम कोर्ट मे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 तो सुप्रीम कोर्ट मे सुप्रीम कोर्ट मे इन इट्स डिसीजन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट फ्रॉम एनी लेटर लिखा एनी जजमेंट डिग्री डिटरमिनेशन सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर एनी कॉज मैटर इन एनी कॉज और मैटर ठीक है पास और मेड बाय एनी कोर्ट राइट देखो एनी कोर्ट इंक्लूडिंग ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग ट्राइबल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक है क्लॉज फटाफट पढ़ो फटाफट नथिंग इन क्लॉज 1 चले बाय एनी जजमेंट डिटरमिनेशन सेंटेंस और ऑर्डर पास और मेड बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट बाय अ कॉर्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू आर्म फोर्सेस तो एक्सक्लूजन क्या है एक्सक्लूजन क्या है आर्म फोर्सेस चल आप समझते हैं अब रखो दिस स्टेट साइड में बहुत सारी गाइस उनकी तरफ पहुंचे पहले कॉन्टेक्स्ट देता हूं बच्चे शुरू से आपको बता रहा हूं जब से हमने ये चर्चा शुरू करी रिट्रिक्शन से लेके पॉलिसी रिट्रिक्शन से लेके एबिलिटी रिट्रिक्शन से लेके ये फेडरल कोर्ट वाली बात कर लेके पर खास करके पॉलिसी एबिलिटी फेडरल कोर्ट वाली बात आपको लग रहा होगा सुप्रीम कोर्ट तो कोई रूल नहीं भाई आर्टिकल 136 में तो परिस्थिति अलग है वो परिस्थिति बनेगी तो किसका भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एबिलिटी आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन मेंटल सो मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन सिविल सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट टेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रूल नहीं है क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट हाई कोर्ट करेगा तो मतलब आपकी जारी सुप्रीम कोर्ट के पास सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट का रूल नहीं अभी तक और ऐसे फेडरल कोर्ट की बात है तो उसके बाद नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता तो ये तो गैप बन गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा सब कुछ न्यायालय हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो कोई पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है एक्सरसाइज नहीं कर रहा है किसी भी अपील सिचुएशन के मामले में सब कुछ हाई कोर्ट देख रहा है हमारा ये आर्टिकल 136 है वो बच्चे चौथी पिक्चर ले जाता है ठीक है इसको लगता है और ये बात करता है स्पेशल लीव टू अपील ठीक है और इसकी चर्चा होगी हमारे आर्टिकल 136 के अंदर और क्या बोला गया बहुत प्रतिष्ठा तो बोला गया कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास फुल्ला डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है अगर उसकी मर्जी होगी तो आर्टिकल 136 इस्तेमाल करेगा और नहीं होगी तो नहीं करेगा कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता कोई भी उसको बता सकता है वो पार्टी हो वकील हो हाई कोर्ट हो चाहे कलेक्टर हो दैट इज फॉर सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड सबसे पहले चीज तो ये समझ लो कि भाई आर्टिकल 136 ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन और ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन ये इतना ब्रॉड है कि ये किसी भी जजमेंट किसी भी डिग्री किसी भी प्रकार का डिटरमिनेशन कोई भी सेंटेंस कोई भी ऑर्डर किसी के भी खिलाफ इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकता है और आर्टिकल का इस्तेमाल क्या है आर्टिकल का इस्तेमाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकता है किसी भी पार्टी को अपील फाइल करने के लिए उसके पास अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कोई भी ऐसा केस है जिसको उसे सुनना चाहिए पर आर्टिकल 136 के अंदर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं किया या 134 के अंदर सर्टिफिकेट नहीं किया रिमांड पूरी हो गई या कोई भी परिस्थिति बनेगी अपील नहीं आ रही है भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पर सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि कोई भी ऐसा केस है जो हाई कोर्ट ने सुनवाई है या किसी और कोर्ट ने सुनवाई है उसकी अपील उसे सुननी चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी जजमेंट डिग्री डिटरमिनेशन सेंटेंस या ऑर्डर जिसके बारे में लगता है कि सभी सुननी चाहिए जिसके बारे में लगता है कि गड़बड़ है वो सुन सकता है तो इनमें से किसी भी कैटेगरी का स्पेशल हो सकता है जजमेंट डिग्री डिटरमिनेशन सेंटेंस ऑर्डर का क्या मतलब है वो सिविल केस भी हो सकता है वो क्रिमिनल केस भी हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हो सकता है कोई भी हो सकता है कोई बात नहीं कोई लिमिट नहीं और इतना ही नहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है टू गिव परमिशन अपील फाइल करने के लिए वो जरूरी नहीं है
बल्कि हमारे भारत देश के अंदर कोई भी कोर्ट हो, किसी भी कोने में हो, कितना भी निचला हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट चुनाव हो, सिविल जज चुनाव हो, सेशन जज चुनाव हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव हो, कोई भी कोर्ट जो भारत के अंदर जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करता है उसके डिसीजन के खिलाफ अपील को फाइल करने की परमिशन दे सकता है। और बच्चे ना केवल कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकता है अपील फाइल करने की किसी भी जजमेंट डिग्री डिटरमिनेशन सेंटेंस और ऑर्डर के खिलाफ जो किसी कोर्ट का नहीं बल्कि किसी ट्रिब्यूनल का हो, किसी कोर्ट का नहीं बल्कि किसी ट्रिब्यूनल का हो। अब ये ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये कोर्ट से कैसे अलग होता है, इसको समझते हैं। तो कल मैं आपको सीबीसी पढ़ा रहा था और मैं आपको सेक्शन 150 समझाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने आपको बहुत बढ़िया सी एक्सप्रेशन बताया कि कोई भी कोर्ट कोर्ट क्यों कहलाता है। आपको न्यायालय मतलब क्या, न्याय जो करता है, न्यायालय क्या होता है, न्याय करता है, वो तो मतलब हो गया कोर्ट का, कोर्ट क्या करता है, न्याय करता है। ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, कोर्ट से अलग कैसे होता है। अब ये ट्रिब्यूनल एक्सप्रेशन है ये बहुत ब्रॉड है, समझना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल मोटे तौर पर दो भागों में बांटे जा सकते हैं, कुछ ट्रिब्यूनल ऐसे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में एक्सरसाइज करते हैं और कुछ ऐसे ट्राइबल्स होते हैं जो जुडिशियल पावर में एक्सरसाइज करते हैं। जुडिशियल पावर मतलब जस्टिस, वही काम कोर्ट करता है और वो ट्रिब्यूनल कहलाता है, कोर्ट नहीं कहलाता, क्योंकि कोई भी चीज कोर्ट को कोर्ट केवल न्याय वाली बात नहीं बनाती, कोर्ट की डेफिनेशन के लिए इट्स आल्सो नेसेसरी कि उसका कोई स्पेसिफिक प्लेस हो, उसमें कोई स्पेसिफिक कानून लागू होते हो, जैसे आरटीओ हो गया, सीपीसी हो गया, उसका प्रोसीजर और रूल्स हो, अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट हो, तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कोई भी कोर्ट अप्लाई करता है। पर अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्पेसिफिक तौर पर कोर्ट की डेफिनेशन नहीं कर रहा, तो ये सारी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये स्पेसिफिक लागू हो रहा है या डायरेक्ट प्रोविजन में हाई कोर्ट के, पर वो ऐसी अथॉरिटी है जो जुडिशियल पावर में एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब न्याय का काम कर रहा है, चाहे कितना भी स्पेसिफिक होना। तो ये जो अथॉरिटी है इसको हम जुडिशियल ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो परमिशन दे सकता है ऐसे किसी ट्राइबल के भी जजमेंट डिसीजन डिग्री के खिलाफ, क्यों वही बात, क्योंकि जहां तक मामला न्याय का है, जस्टिस का है, पिटीशनर का है, उसका सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और ये काम क्या कर रहा है, न्याय का काम कर रहा है। तो अगर ये कुछ गलती कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आकर उसको सही करके बना। अगर कोई ट्राइबल है केवल एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, न्याय का काम कर रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं होगी। कोई भी ट्रिब्यूनल जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, का काम करता है, वो किसी कोर्ट के बाद वो जो जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो वो कहलाता है कि पिटीशन मतलब एक्सरसाइज कर रहा है उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऐसे फाइल कर सकेगा। ठीक है, तो वो कोई भी चीज हो सकती है, जजमेंट डिग्री हो, सेंटेंस ऑर्डर हो, किसी भी कोर्ट के खिलाफ हो सकती है, छोटे से छोटा कोर्ट ट्रिब्यूनल हो सकता है, और किसी भी प्रकार का हो सकता है, सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, टैक्स का मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, आईपीआर का मामला हो, कुछ भी हो, एनवायरमेंट का मामला हो, कुछ भी हो, वहां पर ये सुप्रीम कोर्ट अपील की परमिशन दे सकता है। तो मोटे तौर पर मैं आपको दो लाइन में बताऊं तो कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल 36। अगर कभी भी किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि हमारे देश के अंदर किसी भी कोर्ट ने, किसी भी ट्रिब्यूनल ने, चाहे वो कितना भी नीचे क्यों ना हो, उसने कोई भी ऐसी जजमेंट डिग्री सेंटेंस ऑर्डर दिया है, चाहे वो कैसा भी मामले के अंदर दिया हो, क्रिमिनल, सिविल, टैक्स, आईपी, कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसे लगता है कि उस जजमेंट डिग्री सेंटेंस ऑर्डर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, जिसको उसे सुधारना चाहिए, वो वहां पर वो जो भी एग्रीमेंट पार्टी होगी उसके अंदर वो जजमेंट डिग्री सेंटेंस ऑर्डर में कोर्ट के सामने, क्रिमिनल के सामने, उसको वो अपील फाइल करने की परमिशन दे दी अपने सामने। और यही तो काम है, अपील फाइल करने की परमिशन देना, यही कहलाता है स्पेशल लीव टू अपील, स्पेशल लीव टू अपील। अब आप देखो कितनी ब्रॉड पावर है, कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। अभी तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोलते हैं, सुप्रीम है भाई, ये सुप्रीम है, कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम को कंपेयर करते हैं और बड़ा खुश होते हैं, हाई कोर्ट ज्यादा ब्रॉड है रिट के मामले में, भाई ये देखो क्या है, कुछ हाई कोर्ट के पास वो भी सकता और लड़का का पार्लियामेंट ना, वो भी आज मैं आपके साथ सुधार बहुत बढ़िया आपको गलती है, क्या बोलता है कि हाई कोर्ट का रिट है, आज मैं आपको सब लड़के सुनो। ठीक है, पर कितनी ब्रॉड रिट को आर्टिकल 136 बस एक मामले में लागू नहीं होगी, और वो मामला है आर्म फोर्सेस का। इसका मामला है आर्म फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का मतलब समझते हो ना, डिफेंस फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, और जिसको पार्लियामेंट से परमिशन लेना है। तो आर्म फोर्सेस के मामले में जो भी जजमेंट डिग्री सेंटेंस ऑर्डर आ रहे हैं, जो आर्मी ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल रहा है, वो भी एडवोकेट रहे हैं, तो वो भी डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल नहीं होगा अंडर आर्टिकल 36 क्यों है, क्योंकि आर्मी के मामले में इनका बिल्कुल ही अलग सिस्टम है, बिल्कुल ही अलग है। आर्मी के मामले में चलता है कोर्ट मार्शल का, मैंने आपको तीन चार महीने पहले लिखते देखा, शौर्य नाम शौर्य पेपर बना देखिए, उस पिक्चर को देखोगे तो आपको ये वाली चीज पूरी तरीके से क्लियर होगी, काफी कंफ्यूजन होगा कि आर्मी का एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि आर्मी का सिस्टम है वो अपने आर्मी डिफेंस फोर्स के साथ चलता है, उसको बिल्कुल अलग है। और यही काम हमारा पार्टी सरकार की कर रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल दिया है, हर एक स्थिति पर, हर एक कोर्ट पर, हर एक ट्रिब्यूनल पर, हर एक सब्जेक्ट मैटर पर, आर्म फोर्सेस को छोड़ो, भाई ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे ये स्थिति है कि हमने अभी तक मामला है वो यहां से शुरुआत करके यहां से शुरुआत करके यहां तक कवर कर लिया, जहां तक अपने जुडिशियल की बात है वो भी मोटे तौर पर खत्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, स्पेशली की बात हो गई, अब फेडरल कोर्ट की स्थिति समझ। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है 9 बजे से, उसके अंदर हम क्या चर्चा करने वाले हैं, फटाफट से सुन लो, क्लास में फटाफट से पे आ जाना। ठीक है, अब अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 137, 138, 139, 139A, 141, 142, 143, टारगेट है कि आपको 143 तक पहुंचे, बचता होगा, उम्मीद है कि आपको समझा दे चलो, मैं जाने वाले सेक्शन